सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डार्क एंड ग्रे इफेक्ट फोटो एडिटिंग करना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी सिर्फ लाइट रूम ऐप की सहायता से। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सो हे गाइस, सिंपली आप लोगों को अपना लाइट रूम ऐप ओपन कर लेना है और इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। दोस्तों, हमने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी ऐड कर रखी है तो हम आप लोगों को डायरेक्ट एडिट करना ही बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी फ़ोटो है, आज हम इस फ़ोटो की एडिटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जैसे आप फ़ोटो ऐड कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह के एडिटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना है बढ़ा करके दोस्तों 25, और हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेना है 21, और शैडोज़ की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे 30, और वाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 24, और दोस्तों ब्लैक्स की वैल्यू को कर लेंगे बढ़ा करके 35, और फिर लाइट के ऑप्शन को कर देना है डन। फिर आप लोगों को सिंपली कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ये कलर टूल का ऑप्शन रहा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों वाइब्रेंस की वैल्यू को बढ़ा करके कर लेना है 25, और फिर आप लोगों को दोस्तों ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कलर के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको रेड टोन की सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेना है 10, और फिर ऑरेंज टोन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे -15, और लुमिनेंस की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे 36, ताकि दोस्तों स्किन टोन सही हो सके और फेस पर ब्राइटनेस आ सके। फिर सिंपली आपको येलो टोन को सेलेक्ट कर लेना है, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -100, और ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे -100। फिर ग्रीन टोन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे -100, और ह्यू की वैल्यू को भी करेंगे -100, और लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -36। फिर आप लोगों को सियान टोन को सेलेक्ट कर लेना है, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेना है -100, और फिर डार्क ब्लू टोन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -100, और फिर आप लोगों को ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसको कर देना है डन। और फिर दोस्तों आपको टेम्परेचर की वैल्यू को कर लेना है हल्का सा बढ़ा करके +6, और फिर इसको कर देंगे डन। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आप लोगों को दोस्तों इफेक्ट के ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों क्लियरिटी की वैल्यू को कर लेना है 26, और डीएच की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे 16, और विग्नेट की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -76, और मिड पॉइंट की वैल्यू को दोस्तों करेंगे 28, और फेदर की वैल्यू को दोस्तों बढ़ा करके कर देंगे 69, इसको दोस्तों कर देंगे बढ़ा करके 100, और फिर दोस्तों इसको भी कर देंगे डन। अब दोस्तों जूम करके दिखा दूँ, फेस को स्मूथ करने के लिए आपको डिटेल के ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ये डिटेल का ऑप्शन रहा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना है दोस्तों 21, और दोस्तों कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना है 20, और कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को दोस्तों कर लेना है बढ़ा करके 35, और फिर सिंपली इसको भी कर देना है डन। फिर आप लोगों को एक बार फिर से दोस्तों कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ये कलर टूल का ऑप्शन रहा। और फिर इस पर क्लिक करते ही आपको ग्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये ग्रेडिंग का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, शैडोस, मिडटोन्स, हाइलाइट्स और ग्लोबल। तो दोस्तों सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे ग्लोबल को, और इसको अपनी फिंगर से कर लेंगे कुछ इस तरह से स्क्रॉल, इसको दोस्तों कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, इसको मिला लेंगे कुछ इस तरह से। इसकी ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे 220, और सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों 29, और फिर आप लोगों को साइड में स्क्रॉल कर लेना है, फिर हाइलाइट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और इसकी भी दोस्तों सैचुरेशन की वैल्यू को कुछ इस तरह से मिला लेंगे। इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे 32, और ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे 200,
34 और फिर दोस्तों इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों हल्का सा बढ़ा करके 64 और बैलेंस की वैल्यू को दोस्तों करेंगे हल्का सा माइनस, इसको कर देंगे -20 और लुमिनेंस की वैल्यू को दोस्तों बहुत हल्का सा बढ़ाएंगे, इसको कर देंगे 28 और फिर आप लोगों को सिंपली डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको कर देना है डन। ये देखिए दोस्तों हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होके आफ्टर कैसी हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारी फ़ोटो एकदम परफेक्ट रूप से एडिट होकर रेडी हो चुकी है, आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ, ये हमारी फ़ोटो दोस्तों परफेक्ट रूप से तैयार हो चुकी है। तो इसको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए ऊपर शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ये शेयर का ऑप्शन रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। ये दोस्तों सेव हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।